तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों को, जो कि अगर आप इंग्लिश पर कम्युनिकेशन का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए जानना वो बेहद जरूरी है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि जितना भी नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया वो आपके लिए हेल्पफुल होगा इंग्लिश पर कम्युनिकेशन के लिए। और वीडियो सीरीज आपका बहुत पहले ही अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इंग्लिश पर कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? और फ्रेंड, अगर मैं बात करूं इंग्लिश पर कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये होगा, वो भ्रम में होंगे कि इसमें बैक नहीं लगता है। तो उनको भ्रम को तोड़ने के लिए मैं ये बात कह दे रहा हूं कि इस बार यानी आपके जो सीनियर्स थे, जो कि आपके सीनियर्स थे जिनका बेसिक सिविल या फिर जिनका मैकेनिकल सिविल ये सारे ब्रांचेस थे, उनके स्टूडेंट के इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में बहुत से स्टूडेंट के जीरो नंबर आए हुए हैं। फ्रेंड, आप अंदाजा लगा सकते हैं जीरो नंबर, यानी आप मान के चलिए कि जीरो नंबर यार कैसा आ सकता है, किसी भी स्टूडेंट का जीरो नंबर कैसे आ सकता है, किस कंडीशन में आ सकता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना है RGPV के अकॉर्डिंग, और अपने पेपर को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेट करना है, OMR से लेके हर एक चीज में अच्छी तरीके से आपको करेक्शन लेके चलना है। किसी प्रकार की जो गलतियां होती हैं उन गलतियां को ना करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंटेट करना है। और पॉइंट वाइज पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे मैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बता दूं, तो वो 7 C's कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, लेटर भी आता है आपका, ऐसे भी आता है, ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में आती हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। और बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये लेके चलना है माइंड में कि हमें आपको इंग्लिश का पेपर को किसी तरह से क्लियर करना है। ऐसे भ्रम में नहीं रहना कि यार इसमें तो पढ़ेंगे नहीं तो पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा भ्रम नहीं है। आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, आप जितने भी नोट्स आपने अभी तक प्रिपेयर किए हैं आप उनको देख के जाइए एग्जामिनेशन में, और अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन दीजिए। और सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस का डिस्कशन होगा वो आपका जस्ट एग्जामिनेशन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सिलेबस को डिस्कस कर देंगे, और सारी चीज़ों को कंटिन्यूअसली मैं लगातार हमारे चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल पर बने रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए, पल पल की अपडेट वहाँ पर मैं देता रहूँगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।